और बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। जदयू की राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक आज बुलाई गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। माना यह जा रहा है कि इस राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं, कई बड़ी चीज़ों पर चर्चा हो सकती है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि ये बैठक बिहार की सियासत के लिए बेहद अहम बताई जा रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ विवेक है हमारा सहयोगी फोन लाइन पर। विवेक, जदयू कार्यकारिणी की अहम बैठक आज आयोजित है और देखिए बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो इस जदयू कार्यकारिणी की बैठक पर नजरें टिकी हुई हैं। कौन से बड़े फैसले आज हो सकते हैं इस बैठक में विवेक? के जो राज्य कार्यकारिणी की जो बैठक है, बैठक शुरू हो गई है। वो बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हो रही है। बैठक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन जो बात करें इस बैठक में जो तमाम जो मंत्री हैं जदयू कोटे के तमाम मंत्री पहुंचे हैं, लेकिन एक मंत्री का सब अभी तक इंतजार जो है, केंद्रीय मंत्री जो है ललन सिंह उनका अभी तक जदयू दफ्तर नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं। उसके साथ साथ जो अशोक चौधरी हो और जयंत राज हो, लेसी सिंह वैसे जो तमाम जो मंत्री हैं, तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं, लेकिन बैठक में वो नहीं पहुंचे। इसके लेकर सबकी निगाहें बनी है, क्या ललन सिंह बैठक में आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस तरीके से जदयू की ओर से जो इन्विटेशन भी जो दिया गया मीडिया कर्मियों को कि इस बैठक में इतने लोग शामिल होंगे, उसमें कहीं भी जो ललन सिंह का नाम नहीं था। और ऐसे में क्या ललन सिंह को पार्टी से अलग हटकर देखा जा रहा है या उनको संगठन जो संगठन को विस्तार को लेकर जो बैठक हो रही है, क्या संगठन ललन सिंह को संगठन का ओहदा नहीं देख रहे हैं क्या? ऐसा हमें लगता है, जो कई सवाल उठ रहे हैं। उसके साथ ही साथ बात कर लिए तो इस बैठक जो काफी महत्वपूर्ण बैठक है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, इसके साथ ही साथ जो बात कर ली तो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा को लेकर, क्या उमेश कुशवाहा को प्रदेश अगर अमूमन देखा जाता प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उसका अध्यक्षता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कर रहे हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होते, लेकिन बैठक के अध्यक्षता खुद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सवाल उठता है, क्या आगे की बैठक के बाद क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्णय लेते हैं? क्या इस तरीके से नीतीश कुमार के बैठक से पहले राजधानी पटना के कई चौक चौराहों पर यह भी पोस्टर लगी हुई है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देना चाहिए, इसको लेकर जो आरजेडी वाले हैं लगातार सवाल उठा रहे हैं। जी अच्छा, आपने जिस पोस्टर का जिक्र किया, नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है, देखिए विवेक ये जो पोस्टर लगे हैं उस पर नीतीश को बीजेपी का साथ तो मिल गया है। कुंतल कृष्णा ने ये कह दिया है कि जो लोग अच्छा काम करते हैं वही लोग को भारत रत्न मिलता है और भारतीय जनता पार्टी अगर भविष्य में ऐसे प्रस्ताव आते हैं तो उसका समर्थन करेगी, लेकिन मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार कर दिया है, यानी कि अब इसको लेकर भी राजनीति गरमाएगी आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, आने वाले समय में राजनीति तो जरूर गरमाएगी। ऐसे में लेकर यह बैठक है जो संगठन को लेकर बैठक है, लेकिन बैठक में और जो एनडीए में शामिल है जनता दल यूनाइटेड, और ऐसे में खुद वो किससे गुहार लगा रहे कि हमको भारत रत्न चाहिए, उनके तमाम जो नेता हैं ये छोटे कोई कार्यकर्ता पोस्टर नहीं लगाए हैं। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास इर्द गिर्द जो घूमते हैं वही नेता के द्वारा पोस्टर लगाया गया है। छोटू सिंह हो, ऐसे जो तमाम जो नेता हैं जो उनके पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और नीतीश कुमार के साथ अमूमन उनको देखा जाता है, नीतीश कुमार की जहां जहां भी कार्यक्रम रहता है तो छोटू सिंह उनके साथ जरूर चाय की तरह मंडराते रहते हैं। और छोटू सिंह के द्वारा पोस्टर लगाया गया है कि जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। वैसे में सवाल जरूर उठता है कि वो किन से भारत रत्न मांग रहे हैं, और जेडीयू की इस बार केंद्र में अहम भूमिका है, जेडीयू चाहे टीडीपी हो, ऐसे जो तमाम जो नेता है उनका जो अहम भूमिका है, तो जेडीयू को अगर जरूरत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न की जरूरत है तो नीतीश कुमार क्यों नहीं सिफारिश करते हैं अपने नेताओं के द्वारा जो लगातार इस तरीके का पोस्टर लगवा रहे हैं। तो इससे नहीं जरूर है जो कि किरकिरी जरूर नीतीश कुमार को हो रही है, जिसको लेकर मृत्युंजय तिवारी ने सीधा तौर पर तंज कसते हुए कहा कि जदयू के नेताओं की जो मानसिकता है वो मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी है, और ऐसे में इनको खूब नीतीश कुमार को जो सीएम की जो कुर्सी है, सीएम की कुर्सी खतरा मंडरा रहा है सीएम की कुर्सी पर, इसलिए इनके नेताओं का अभी से जो सुगबुगाहट है तेज हो गई है। जी चलिए, तो जदयू कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, दूसरी ओर सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग के लिए पोस्टर लगे हैं, आने वाले दिनों में बिहार की सियासत और भी इन मुद्दों को लेकर गर्मा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी।
राजधानी पटना में जनता दल यूनाइटेड की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। छोटू सिंह जो जदयू के महासचिव हैं वो इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं। उनको आप देख सकते हैं, ये जो पोस्टर है वो राजधानी पटना की सड़कों पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो सहयोगी जो दोनों दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बिहार में, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कहीं ना कहीं इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं कुंतल कृष्णा, उन्होंने समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अच्छे लोगों को ही भारत रत्न दिया जाता है और अगर भविष्य में नीतीश कुमार को भारत रत्न दिए जाने का प्रस्ताव आता है तो हम इसका समर्थन करेंगे। नीतीश जी ने बिहार के लिए अतुलनीय काम किया है। बिहार के विकास में नीतीश जी का योगदान आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए नीतीश जी एक उदाहरण भी हैं किस तरीके से राजनीति को समाज के विकास के लिए इस्तेमाल करना है। नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे उन्हें बहुत कुछ करना है। भविष्य में भारत रत्न के लिए अगर विचार हो तो बेहतर ही है। भारत रत्न ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ बहुत ही बेहतर, कुछ एक्सेप्शनल काम किया है और नीतीश जी का योगदान बिहार के लिए तो सही में अतुलनीय है। लोगों के पास पैसे हैं, वो होर्डिंग लगा दे रहे हैं, वो बैनर पोस्टर लगा दे रहे हैं, लेकिन भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च उपाधि है। इसके बारे में इस तरह के होर्डिंग पे अगर हम लोग चर्चा करें तो भारत रत्न का उपहास उड़ाना है। भारत रत्न कोई मूंगफली नहीं है कि सबको बांट दिया जाए। इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए और इस तरह से करना निश्चित रूप से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि भारत रत्न का मजाक बनाने जैसी बात हो रही। नीतीश जी ने बिहार के लिए अतुलनीय काम किया है। बिहार के विकास में नीतीश जी का योगदान आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए नीतीश जी एक उदाहरण भी हैं किस तरीके से राजनीति को समाज के विकास के लिए इस्तेमाल करना है। नीतीश जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे उन्हें बहुत कुछ करना है। भविष्य में भारत रत्न के लिए अगर विचार हो तो बेहतर ही है। भारत रत्न ऐसे ही लोगों को दिया जाता है जिन्होंने समाज के लिए कुछ बहुत ही बेहतर, कुछ एक्सेप्शनल काम किया है और नीतीश जी का योगदान बिहार के लिए तो सही में अतुलनीय है। लोगों के पास पैसे हैं, वो होर्डिंग लगा दे रहे हैं,